हे गाइस, हेलो, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 का सीरीज में ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, इसमें 61 नंबर से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? 61 नंबर से। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ से? डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है। कहता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज टू दिस वन जीरो, तो कहता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर है आपके पास एक्स डी वाई, अब प्लस है इधर से वाई डी एक्स इज टू जीरो। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स डी वाई को यहाँ रखेंगे, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस डी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? वाई वाले को डी एक्स के डी वाई के साथ और एक्स वाले को डी एक्स के साथ। यहाँ पर एक्स है, इसको यहाँ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ डी वाई और अपॉन कितना वाई इज टू माइनस डी एक्स और अपॉन एक्स। जब सेपरेट हो जाएगा तो हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। तो ये डी वाई अपॉन वाई इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ वाई इज टू माइनस लॉग इसका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस। देखो, जब दोनों तरफ लॉग में आएगा ना, तो आप कोई कॉन्स्टेंट टर्म जो है ना लॉग सी ले लेना। इसको क्या करेंगे हम, इधर से लॉग मॉड ऑफ वाई इसको इधर ले आओगे तो प्लस लॉग कितना इधर एक्स इज टू लॉग सी। अब देखो आपके पास ऑप्शन सब क्या है, के है, मतलब कांस्टेंट सी के जगह के है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसमें आप के ले सकते हैं, यहाँ पर के ले लीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग एम इंटू एन का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहाँ पर वाई या इंटू एक्स, मॉड हटा दो यहाँ पर से, इधर हो जाएगा लॉग के, दोनों तरफ लॉग है तो लॉग हट जाएगा, तो इसको हम एक्स वाई इसको कितना के लिख सकते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ 62 नंबर है, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे हम। 62 नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि बीच में प्लस का साइन है और नीचे अपॉन में भी कुछ टर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जो भी टर्म है, जो भी क्वेश्चन है, उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर है वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई और अपॉन है वाई स्क्वायर इज टू जीरो। देखो यहाँ इसको यहाँ बाई क्रॉस कर दोगे तो ये खत्म नीचे वाला, यहाँ हो जाएगा कौन सा वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई इज टू जीरो। यहाँ हो जाएगा वाई डी एक्स इज टू, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस एक्स डी वाई। फिर क्या करेंगे, एक्स वाले को डी एक्स के साथ और वाई वाले को डी वाई के साथ। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डी एक्स अपनी जगह सही है, इसको यहाँ नीचे लाइए एक्स, यहाँ डी वाई और नीचे में वाई। अब जब सेपरेट हो जाएगा तब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स, इसका क्या होता है लॉग वाई। अब यहाँ पर से देख लो, फिर से कॉन्स्टेंट सब आपके पास क्या है, सी नहीं के दिया हुआ है, तो हम इधर से क्या ले लेंगे इसको लॉग के। अब लॉग एक्स अपने जगह सही है, यहाँ लॉग एम इंटू एन इसका क्या, या नहीं तो एक काम करो इसको इधर ले आओ, माइनस लॉग वाई इज टू लॉग के। लॉग एम माइनस एन का किसका फॉर्मूला होता है, लॉग एम बाई एन का, इसका टू कितना होगा इधर लॉग के, दोनों तरफ लॉग है तो लॉग हट जाएगा तो बच जाएगा कितना इधर एक्स अपॉन वाई इज टू के, यही आंसर हो जाएगा। देखो एक्स अपॉन वाई इज टू के, कौन सा सी नंबर आपके पास आंसर हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कितना एकदम सिंपल इजी वे में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको फॉर्मूला बेस्ट याद रखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, फटाफट ऑब्जेक्टिव बनता जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, 64 नंबर है, जे डॉट के क्रॉस आई, मतलब वेक्टर में हम लोग चले आए हैं, तो वेक्टर में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट रहा है तो वेक्टर का देखो कैसे क्या करना, ऐसे वाला बना लेना है, इधर हो जाएगा आई, यहाँ पर रखो जे, इधर रखो के। देखो इस ऐसे डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, आई के बाद जे, आई क्रॉस जे बच गया कौन सा के, तो के होगा जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे, मतलब इस वाले डायरेक्शन में घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ ध्यान से देखो, जे यहाँ पर आपके पास क्या है सही है, जे डॉट सही है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या बच गया जे, जे बच गया। अब जे डॉट, जे डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है वन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी होगा। यहाँ पर आइए, एक्स वाई जेड है, ये है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या होता है, एक्स है इधर, वाई है और इधर जेड है। अब ये कहता है ये किसके बराबर, इस चारों में से ऑप्शन है, तो ध्यान से ध्यान देखो,
जैसे इस वैल्यू सबको मतलब इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, मतलब रिसाइकल करेंगे इसको, हाँ, तो इसमें क्या होता है, निगेटिव होता जाएगा। ये वाई है, देखो अब एक्स को बाद में, पहले वाई लिखेंगे तो यहाँ माइनस दे दो, तो वाई उसके बाद कौन सा जेड, उसके बाद कौन सा एक्स लास्ट में, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, फिर जेड को पहले लिखेंगे हम, तो फिर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जेड, उसके बाद कौन सा एक्स, उसके बाद कौन सा वाई। देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है कहीं, जेड एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 66 नंबर है, ई टू द पावर एक्स का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब, नीचे में डी लिखो, एक्स का पावर जितना भी है उसको लिख दो, सॉरी ई का पावर जितना नीचे उतारो, फिर इसको ऊपर ले जाओ, तो डी एक्स क्यूब, और नीचे में कौन सा, इधर डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स से होता है, तो जितना पावर रहेगा उसको उतार दो। पावर वाले का क्या करते हैं, पहले थ्री लिखो फिर एक्स लिखो, इसका स्क्वायर कर दो, तो थ्री एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, देखो कौन सा ऑप्शन, थ्री एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, कौन सा, डी नंबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 67 नंबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 3 है, देखो इसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर है आपके पास, देखो जो लॉग का क्या रूल है कि जो पावर होता है ना उसको पहले लिख लीजिए, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे थ्री लॉग, सॉरी एक्स, इधर क्या हो जाएगा लॉग थ्री। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास लॉग थ्री कॉन्स्टेंट है, और एक्स का क्या करना होगा, डिफरेंशिएट डी एक्स अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा लॉग थ्री इन टू वन, तो ये फाइनली ये कितना हो जाएगा लॉग थ्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ इसमें 68 में, डिफरेंशिएशन है किसका, 1 बाय एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और नीचे में है डी एक्स। देखो डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, और प्लस ई टू द पावर एक्स, और नीचे में डी एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इन टू कितना, कॉट एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, देखो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं 69 में, तो 69 में है के क्रॉस आई क्रॉस जे, तो देखो हम क्या बोले, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ आई लिखो, यहाँ आप आई लिखिए, और यहाँ जे लिखिए, और यहाँ आप के लिखिए, किस डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव, क्या है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो क्या बचेगा, के क्रॉस के, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 70 नंबर है लॉग टू डी एक्स, तो लॉग टू आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो लॉग टू हम क्या करेंगे, लॉग टू को बाहर करेंगे, इधर हो जाएगा डी एक्स, तो लॉग टू अपने जगह सही है, डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, तो फाइनली एक्स को पहले, इधर हो जाएगा लॉग टू, और प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स के, तो कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो आज तक यहीं तक एंड द क्लास, मिलते हैं हम अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।